टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती और अदाकारी का जलवा बिखेरने वाली अभिनेत्री मौनी रॉय को तो आप खूबी से जानते ही होंगे, जो नागिन सीरियल से इतने ज्यादा फेमस हुई कि इन्हें शिवांगी और शिवन्या के किरदार को आज कोई भी नहीं भुला पाएगा, जिन्होंने इतनी मेहनत करके खुद को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि आज उन्हें पूरा देश जानता है। लेकिन आप अभिनेत्री मौनी रॉय के बारे में तो काफी कुछ जानते होंगे, पर शायद ही आप जानते होंगे कि मौनी रॉय ने यहाँ तक का सफर कितनी मुसीबतों के साथ तय किया है। अगर आप भी इनके इस मुसीबत भरे सफर के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड फिल्म में बैकग्राउंड डांसर से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली मौनी रॉय आज इस मुकाम पर है कि उन्हें पूरा देश जानता है। बता दें कि बचपन से ही मौनी रॉय को डांसिंग सिंगिंग का बेहद शौक था, पर क्योंकि इनके पिता सिविल सर्विस में काम करते थे इस वजह से मौनी रॉय ने आईएएस बनने की ठानी। लेकिन इसके साथ साथ वो कई जगह डांस की ट्रेनिंग भी लेती थी, जिसके बाद अपने पेरेंट्स के कहने पर मौनी ने जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में मास कॉम में एडमिशन ले लिया। लेकिन अक्सर वही होता है जो आपकी किस्मत में होता है। मौनी रॉय को उनका पहला सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इत्तेफाक से काम मिला। जब वो इस सीरियल के लिए ऑडिशन देने गई थी तब उन्हें पता भी नहीं था कि ऑडिशन बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए है, और इस सीरियल ने उनकी जिंदगी बदल दी और वो एक ऑर्डिनरी टीवी एक्ट्रेस बन गई। और इसके बाद वो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के बाद साल 2008 से 2010 तक मौनी रॉय ने दो सहेलियां और कस्तूरी जैसे सीरियल्स में साइड रोल किया है जो इनकी हॉबी थी, वह इनकी पहचान बन गई। और जरा नाच के दिखा में इन्होंने अपने डांस से सभी को अपना दीवाना बना लिया, जिसके बाद टीवी के हर शो में उन्हें डांस परफॉर्मेंस करते हुए देखा गया। लेकिन साल 2009 के दौरान इन्होंने थोड़ा डाउनफॉल भी देखा गया, जिसके बाद साल 2011 में इन्हें सीरियल देवों के देव महादेव में सती के किरदार में देखा गया। सीरियल में मौनी रॉय ने जबरदस्त एक्टिंग करके दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया। टीवी में कई सीरियल में काम करने के बाद मौनी रॉय ने बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि उन्होंने कई फिल्मों के लिए ऑडिशन दिए लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाई, जिसके बाद उन्हें टीवी सीरियल नागिन का ऑफर आया, जिसमें उन्हें शिवन्या का किरदार निभाते हुए देखा गया। इस सीरियल की वजह से वो न सिर्फ इंडिया बल्कि अदर कंट्रीज में भी फेमस एक्ट्रेस बन गई, जिसके बाद उन्हें गोल्ड मूवी का ऑफर आया और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही, जिसके बाद केजीएफ के एक सॉन्ग गली गली में वो कैमियो करती नजर आई, जहां अब हाल ही में आई फिल्म ब्रह्मास्त्र में इन्हें देखा गया, जिसमें इनकी जबरदस्त एक्टिंग को दर्शक भूला नहीं पा रहे हैं। वेल दोस्तों, आप मौनी रॉय की इस जर्नी के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।